रतन राजपूत ने किया बड़ा खुलासा, कास्टिंग काउच का हुई थी शिकार। कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर फायदा उठाना चाह रहा था शख्स। रतन राजपूत उस शख्स को मारना चाहती हैं थप्पड़। रतन राजपूत काफी समय से टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन वो अपने व्लॉग के जरिए सोशल मीडिया पर फैंस से मुखातिब होते रहती हैं और खुद से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी फैंस के साथ साझा करती हैं। रतन राजपूत को उनके फैंस का भरपूर प्यार भी मिलता है। टीवी सीरियल की वजह से रतन राजपूत घर घर जाना पहचाना जाने वाला नाम बन गई थी। उन्होंने टीवी के कई सीरियल में काम किया, लेकिन अब जाकर रतन राजपूत ने बड़ा खुलासा किया है कि उन्हें भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। दरअसल अपने व्लॉग में ही रतन ने इस ओर कई बार इशारा भी किया था। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रतन राजपूत ने बताया कि उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया है और वो टीवी इंडस्ट्री से जुड़ने वाले नए बच्चों के लिए मैसेज देना चाहती है और इसीलिए अब उन्होंने ये खुलासा किया है। दरअसल कास्टिंग काउच के बारे में उन्होंने पहले जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उस समय टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही थी और अब उन्हें लगता है कि उन्हें वो सच्चाई बतानी चाहिए। रतन राजपूत का ये भी मानना है कि टीवी इंडस्ट्री में सभी लोग खराब नहीं हैं, लेकिन जो नए लोग टीवी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं उन्हें समझ होनी चाहिए कि उनका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। रतन राजपूत ने बताया कि वो एक जगह ऑडिशन के लिए गई हुई थी, वहाँ उन्हें कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी गई थी, लेकिन जैसे ही रतन राजपूत को आभास हुआ तो वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। रतन राजपूत ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो उस शख्स को तमाचा जड़ना चाहती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कास्टिंग काउच को लेकर रतन राजपूत का भी दर्द छलकता हुआ नजर आया है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।